गर्मियों के सीजन में जो हमारे बालों की परेशानियां बढ़ गई हैं, आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। गर्मियों के सीजन में जब कभी हम बाहर जाते हैं, कितने भी बालों को कवर करें, स्किन को कवर करें, कैप लगाएं या हम लोग अम्ब्रेला ले जाएं, लेकिन पसीना तो आता ही है। अब पसीने आने से जो बालों में प्रॉब्लम खड़ी होती हैं उसका क्या, जिसकी वजह से ईचिंग होने लगती है, रूसी हो जाती है। अब इन सारी प्रॉब्लम से हमारे बाल और ज़्यादा गिरने लगते हैं। अब जब बाल गिरते हैं तो रोना आता है। इसके लिए हम कई टाइप के शैम्पू ट्राई करते हैं और वो शैम्पू भी जब काम नहीं करते तो बहुत बुरा लगता है। आज मैं आप ही के शैम्पू को, जो आप शैम्पू यूज़ करते हो उसी शैम्पू में ऐसा पोषण दूंगी जिससे वो 10 गुना ज़्यादा काम करेगा और ये ट्रिक आपको बेहद पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप करके देखिए, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझ पाओगे। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच भर के, मतलब 2 टेबल स्पून चावल, कोई भी चावल जो हमारे घर में आते हैं। उस चावल को अच्छे से पहले धो लीजिए, धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केमिकल लगे रहते हैं। उसके बाद आधा घंटा तक इसे भिगो के रखिए, थोड़े से पानी के साथ मैंने भिगो के रख दिए हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट ले रही हूँ एलोवेरा की ताजी पत्ती, जो हमारे गमले में ही मिल जाती है। गमले में आपके घर में ना हो तो पड़ोस में ज़रूर मिल जाएगी, बस छोटी सी एक पत्ती चाहिए। तीसरी चीज ली है बच्चों मैंने दही, नॉर्मल दही भी ले सकते हो, मेरे आज हंकर थी मैंने वो ली है, बस 1 चम्मच काफी है। अब चौथी चीज जो ले रही हूँ मैं वो है या तो नींबू या संतरे का छिलका, कोई भी आप ले सकते हैं, विटामिन सी चाहिए बेसिकली हमें। अब एक और इंग्रेडिएंट लेंगे, वो है गुलाब जल। गुलाब जल जो हम स्किन के लिए भी यूज करते हैं, वही गुलाब जल ज्यादा से ज्यादा हमें 2 टेबल स्पून चाहिए। ये रोज की पत्तियां मैंने डालकर इसलिए रखी हैं जिससे आप भूले नहीं, ये पानी नहीं है, ये रोज वाटर है। गुलाब की पत्तियों को हटाकर हम इसे यूज करेंगे। कुल मिलाकर ये सारी चीजें आपको घर में ही मिल जाएंगी। मदर्स डे आ रहा है इस हफ्ते, क्या करने का प्लान है? मैं तो बोलती हूँ एक मस्त वाली चंपी कर दो, मम्मी तो खुश, मम्मी के बाल और भी खुश। इसलिए चंपी ऑयल का प्राइस भी 399 कर दिया है अगले 7 दिन के लिए, फटाफट ले लो mykkstore.com से। अब बच्चों सबसे पहले हमें करना क्या है, चावल को पानी सहित ही एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं और जार में डालने के बाद उसे पीस लेते हैं। पानी बस इतना इनफ होना चाहिए कि चावल अच्छे से पिस जाए। अब उसे छानना बहुत ज़रूरी है, अगर छानेंगे नहीं तो होगा ये कि हमें बाल धोने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। बालों पर चावल का पानी लगाने से कई फायदे होते हैं, यह हेयर क्यूटिकल को बेहतर करता है, इसके इस्तेमाल से बालों की चमक बढ़ती है और साथ ही ये स्कैल्प को स्वस्थ रखने में मदद करता है। चावल के पानी में कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं। यह पानी बालों को मजबूती देता है जिससे बालों का लगातार झड़ना भी रुक जाता है। तो हमें छान लेंगे तो एक दूध जैसा एक मिश्रण हमारा तैयार जो हो जाएगा वो हमें यूज़ होगा। अब इसी में ही मैंने रोज़ वाटर डाल दिया है, रोज़ वाटर डालकर इन दोनों को मिक्स कीजिए। अब तीसरी चीज़ मिक्सी के जार में डालते हैं, जैसे कि मैं नींबू यूज़ कर रही हूँ तो आधा नींबू और एक एलोवेरा की छोटी पत्ती को छिलके समेत ही डाल देती हूँ, इसे भी हमें पीसना होगा। अगर आप इसे पीस ना पाएं तो रोज़ वाटर को आप इसमें मिलाकर भी पीस सकते हैं। कुल मिला के हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। नींबू को भी मैंने छिलके समेत ही लिया है और एलोवेरा को भी मैंने छिलके समेत ही लिया है, इसे भी हम छान लेते हैं। इसका जो भी जूस निकलेगा वो हम इसी के अंदर मिक्स करेंगे। आप देख रहे हो ना, एक से बढ़कर एक जो ये इंग्रेडिएंट है हमारे बालों को कितनी ज्यादा पोषण देंगे। अब 5वीं चीज डाल दी मैंने, थोड़ा सा दही। दही डालें तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हो तो दही को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है रोज वाटर हमें स्किन पर बालों में पोषण देने का काम करता है, एलोवेरा हमें एलर्जी से बचाता है, रूसी से बचाता है, कोई भी एंटी फंगल बैक्टीरिया हो उसे हटाता है, और जो नींबू है विटामिन सी देता है। उसके बाद आपको डालना है शैम्पू, वही जो 1 पाउच या 1 चम्मच जितना भी आप यूज करते हो आपके बालों की लेंथ के ऊपर है। जितना भी आप शैम्पू यूज करते हो बस उसे मिक्स कीजिए। इस तरीके से झाग बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप तो मिक्स कीजिए। ये झाग में सिर्फ इसलिए बना के आपको दिखा रही हूँ कि इस शैम्पू की झाग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि इतनी सारी चीजें डाली तो वो शैम्पू क्या काम करेगा, 100% करेगा, बल्कि 200% करेगा, क्योंकि ये अब बन गया है आपका पोषण वाला शैम्पू। मैंने संतरे का छिलका नहीं डाला, नींबू भी आधा ही डाला था। अब ये शैम्पू तैयार है। अब इन सारी चीजों के पहले
हम आपको एक तैयारी बताते हैं। जैसे कि आप शैम्पू करेंगे सुबह, उसे एक घंटा पहले, सिर्फ एक घंटा पहले बालों में चंपी जरूर कीजिए। चंपी से होता पता है क्या है कि बालों में जो स्कैल्प होता है वो साफ होता है। स्कैल्प साफ होता है, हमें ना रिलैक्स मिलता है। रिलैक्स मिलने से होता है कि आधी प्रॉब्लम हमारी वहीं ख़त्म हो जाती है। बालों की चमक बढ़ती है, बालों की मजबूती बढ़ती है। और ये जो चंपी ऑयल मैंने आप लोग के लिए बनाया है, इसमें कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट हैं, जैसे कि आंवला, करी लीव्स, कोकोनट ऑयल, और तो और जोजोबा ऑयल, पिपरमेंट जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो आपको इस सीजन में बहुत अमेजिंग रिजल्ट देंगे। तो आप उस ऑयल को अच्छे से मसाज कर लीजिए, उसके बाद इस शैम्पू से आप हेयर वॉश कीजिए। कम से कम एक घंटा उस मसाज को रहने दीजिए। तो मैंने तो आज चंपी कर रखी थी, मैंने सोचा अपने लिए तो ये शैम्पू बना ही रही हूँ, क्यों ना आपको ये शेयर कर दूँ। अब मैं हेयर वॉश कर रही हूँ, कोई सिरम नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, मैं कोई बाहर की चीज़ें नहीं लगाती हूँ, फिर भी इस उम्र में मेरे बाल परफेक्ट हैं। तो गर्मियों में ना 2 से 3 बार अगर हेयर वॉश आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और ऑयल लगाने के बाद शैम्पू करने से फ़ायदा ये होता है कि बालों की जो ड्राइनेस है ना वो ख़त्म हो जाती है, बालों में नेचुरल चमक आती है, और जो बाल है ना धीरे धीरे हमारी ग्रो करने लगते हैं, झड़ना बंद हो जाते हैं। तो चलिए आप इस शैम्पू को यूज़ कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ बच्चों, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइए आपके यहाँ गर्मी का टेम्परेचर कितना है। हमारे यहाँ तो भैया 40-45 के ज़्यादा पार हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वक्त। तो हमें तो ये नुस्खा बड़ा पसंद आया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।